स्टूडेंट माई सेल्फ चिराग सुकानी फ्रॉम राफेल बीबी कॉलेज वापी एंड आई एम गोइंग टू टीच फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट एंड वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड टूडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट डिमांड डिस्टिंक्शन. क्लियर? नाउ इन अर्लियर सेशन वॉट वी कंप्लीट दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो टूडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट डिमांड डिस्टिंक्शन. नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड और डिमांड डिस्टिंक्शंस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू फाइव, दैट इज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स. सेकेंड, ऑटोनमस डिमांड एंड डिराइव डिमांड. थर्ड, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड. फोर्थ, फर्म डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड. एंड फिफ्थ, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड. ये पांचों पांच टाइप को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है. चल, फर्स्ट इज व्हाट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स. नाउ कंज्यूमर यानि हम लोग, जो हम लोग सर्टन कॉमोडिटीज़ को परचेज करते हैं, सर्टन कॉमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग कौन है? कंज्यूमर है. प्रोड्यूसर कौन है? उत्पादक, जो बनाते हैं गुड्स को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉट प्रोड्यूसर. सो फर्स्ट टाइप डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? नाउ कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई अवर ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली एंड दिस गुड्स आर यूज फॉर द फाइनल कंजप्शन. तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स हमारी ज़रूरियातें, हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. ओके, और ये गुड्स हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं फॉर द फाइनल कंजप्शन. वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड दिस गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर एज इनपुट टू टर्न इनटू आउटपुट. सो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. ओके, सो दिस गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर एज एन इनपुट टू टर्न इनटू आउटपुट. है समझे? तो आपको सिंपल सा एग्जांपल है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स हम लोग डायरेक्टली, जो गुड्स हम लोग यूज करते हैं और डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई होती है. सो एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? फूड आइटम, मिल्क, सुगर, बिस्किट्स, फर्नीचर, पेन, वेजिटेबल्स, कार, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. वेरस प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? कि प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. ओके, सो दिस गुड्स आर बेसिकली यूज बाय द प्रोड्यूसर एज एन इनपुट, इनपुट के लिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट. सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स दैट इज मशीनरी, ओके, रॉ मटेरियल, ऑयल, इक्विपमेंट, स्टील, आयरन, कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, नाउ डिस्टिंक्शन क्या होगा? कि डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स स्ट्रेट अवे गो टू मीट एंड फुलफिल वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, वाइल डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स डज नॉट स्ट्रेट अवे गो टू मीट एंड फुलफिल वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. अरे कंज्यूमर्स गुड्स क्या होती है? जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स को डायरेक्टली मीट करती है और हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है. बट प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड डायरेक्ट नहीं होता है. ओके, प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड डायरेक्ट नहीं होगा बिकॉज वो गुड्स डायरेक्टली हमारी ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं करती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री यूजिंग दिस प्रोडक्ट. ओके, नाउ मिल्क, सुगर, बिस्किट वगैरह ये कंज्यूमर गुड्स है. सो डिमांड फॉर सच गुड्स डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ कंज्यूमर बिकॉज जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, डिमांड ऑफ मिल्क, सुगर, बिस्किट बढ़ जाएगा, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो उसका डिमांड भी कम होगा.
वाइल प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री यूजिंग दिस प्रोडक्ट। कैसे एग्जांपल कि टेक्सटाइल फिनिश टेक्सटाइल क्लोथ का डिमांड बहुत है, ओके सो टेक्सटाइल क्लोथ बनाने के लिए कॉटन यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री क्लियर यूजिंग दिस प्रोडक्ट एज एन इनपुट। क्लियर समझ में आया। सो इन ब्रीफ कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है और वो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है एज एन इनपुट मटीरियल टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ओके नाउ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स का डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग ने पढ़ा कि डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली स्ट्रेट अवे गो टू मीट एंड फुलफिल वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, यानी कंज्यूमर गुड्स हमारी डायरेक्टली ह्यूमन वॉन्ट्स सेटिस्फाई करता है बट प्रोड्यूसर गुड्स हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके बिकॉज प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, वो प्रोड्यूसर गुड्स को यूज़ करके प्रोड्यूसर्स फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और वो हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स सेटिस्फाई करता है। तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड बढ़ेगा, इनकम कम होगा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स भी कम होगा। वेरेस प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री विच यूज द प्रोडक्ट एज एन इनपुट। ओके एंड लास्टली वी कंक्लूड वेदर द गुड्स इज कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सो एग्जाम्पल सुगर, Now when the sugar used in home in order to prepare the tea, तो sugar क्या बन जाएगा, consumer goods. But वही sugar factory में use होगा in order to produce the sweets item, confectionery's item, then sugar become the producer goods. आया समझ में। सो गुड्स कंज्यूमर गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ यूज। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया sugar, चीनी, अगर शुगर हम लोग घर में यूज़ करेंगे टी बनाने के लिए तो शुगर कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा, बट वही शुगर फैक्ट्री में यूज़ होगा स्वीट्स बनाने के लिए या सर्टन कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाने के लिए, तो शुगर क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर। सो फर्स्ट टाइप डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। सेकेंड इज वॉट, ऑटोनोमस डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। ना ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट होता है एंड डिराइव मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो व्हाट इज ऑटोनोमस डिमांड, कि ऑटोनोमस डिमांड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट डायरेक्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज दैट विच अराइजेज इंडिपेंडेंटली ऑफ द डिमांड फॉर एनी अदर प्रोडक्ट। ओके सो एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, डिमांड फॉर फर्नीचर, वो इंडिपेंडेंटली डिमांड अराइज होता है। ओके सो ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है, ऑटोनोमस डिमांड का दूसरा नाम डायरेक्ट डिमांड भी है। ओके विच अराइजेस इंडिपेंडेंटली, वो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं है। विच अराइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द डिमांड फॉर एनी अदर प्रोडक्ट। सो बेस्ट एग्जांपल डिमांड ऑफ फूड, डिमांड ऑफ फर्नीचर, वो अपने आप जनरेट होती है, उसका डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ऑन द अदर एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच अराइजेज डिमांड फॉर सम अदर प्रोडक्ट, इट इज़ नोन एज फॉर डिराइव्ड डिमांड। ओके सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट्स। सो डिराइव्ड क्या है, कि जो प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर डिराइव्ड डिमांड। सो डिराइव्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच अराइजेज आउट ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर प्रोडक्ट is known as what derived demand. So demand, it depends upon the demand for some other product. Best example, demand for door, darwaza. Demand for door किसके ऊपर depend है, it depends upon the demand for the houses. Okay, so demand for door derived demand बना because it is derived from the demand from the houses. It means जितना घर बनेगा, जितना हाउस का डिमांड होगा, तो हाउस में तो डोर लगाना ही पड़ेगा, तो डोर का डिमांड भी बढ़ेगा। सो डोर का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ हाउसेस।
क्लियर, दैट इज व्हाट डिराइव्ड. अनदर एग्जांपल, डिमांड फॉर लैम्प, सॉरी डिमांड फॉर बल्ब, डिमांड फॉर बल्ब वो डिराइव्ड डिमांड हुआ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर लैम्प. इन शॉर्ट, जितना लैम्प बनेगा उतना बल्ब का भी डिमांड बढ़ेगा, जितना लैम्प कम डिमांड होगा उसका उतना ही लैम्प का डिमांड, बल्ब का डिमांड भी कम होगा. ओके, सो व्हाट इज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस एंड व्हाट इज डिराइव. सो ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट डिमांड विच अराइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सम प्रोडक्ट. ओके, यानी वो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वर्स डिमांड, डिराइव डिमांड क्या होता है, डिराइव डिमांड मतलब जो प्रोडक्ट का डिमांड डिराइव्ड करना है, जो प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंडेंट है ऑन डिमांड फॉर सम अदर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इज व्हाट डिराइव्ड डिमांड. मेरा एग्जांपल समझ में आया कि डोर का डिमांड डिराइव्ड हुआ बिकॉज वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड ऑफ हाउसेस. ओके, बल्ब का डिमांड डिराइव्ड हुआ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ लैम्प. क्लियर. सो थर्ड इज व्हाट, शॉर्ट रन डिमांड एंड द लॉन्ग रन डिमांड. नॉट इज शॉर्ट रन डिमांड, कि शॉर्ट रन डिमांड रिफर्स टू करंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट इज इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक प्राइस चेंज, इनकम चेंज एट्सेट्रा. ओके, सो करंट डिमांड इज नथिंग बट, सॉरी शॉर्ट रन डिमांड इज नथिंग बट इट इज करंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. शॉर्ट रन इज व्हाट, करंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. एंड करंट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट प्राइस. ओके, दैट इज प्राइस चेंज, इनकम चेंज एंड सो ऑन. ओके, बिकॉज जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा सो करंट डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, जैसे मेरा इनकम कम होगा करंट डिमांड कम हो जाएगा. कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो जाएगा. सो शॉर्ट रन डिमांड क्या है, इट रिफर्स टू द करंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स दैट इज प्राइस चेंज, इनकम चेंज एट्सेट्रा. वेयर एज लॉन्ग रन डिमांड इज व्हाट, द डिमांड दैट एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स लाइक change in technology, inventions of new substitute product, improvement in the quality of the existing product and so on. Okay, so jo product ka demand exist hota hai over a long period of time, that is called as what, long run demand. And long run ko kaun se factors affect karte hai, that is technology change hone se, kuch naya product ka inventions hone se ye product ka demand change hoga. Okay, so example, डिमांड ऑफ द मोबाइल फोन, इट इज़ व्हाट, लॉन्ग टर्म डिमांड. बिकॉज जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, नए नए एप्स का इन्वेंशंस होगा, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशंस होगा, डिमांड ऑफ दैट मोबाइल फोन चेंज. क्लियर. एंड लास्ट, फर्म डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड. द फर्म डिमांड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कंपनी डिमांड. It means demand for the product of a particular firm. Demand of a product of a particular firm. Whereas industry demand kya hota hai? Industry demand refers to the total demand for the particular industry. Okay, the simple sa meaning, firm demand kya hota hai? Demand for the product of a particular firm. And industry demand kya hoga? Total demand for the product of a particular industry. Abhi yahan pe example dekh lo. कि डिमांड फॉर टूथपेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस बाय कोलगेट कंपनी, इट इज़ नोन एज व्हाट, फर्म डिमांड. ओके, टूथपेस्ट का डिमांड कितना है विच इज़ प्रोड्यूस बाय ओनली कोलगेट कंपनी, तो इंडिविजुअल और पर्टिकुलर फर्म का डिमांड जाना तो क्या हुआ, कंपनी डिमांड, फर्म डिमांड हुआ. वाइल द डिमांड फॉर टूथपेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस बाई ऑल द कंपनीज टेकन टूगेदर ना, इट इज़ नोन एज व्हाट, इंडस्ट्री डिमांड. सो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का क्लोजअप भी आ जाएगा एंड पेप्सोडेंट भी आ जाएगा, डाबर भी आ जाएगा, मिसवाक भी आ जाएगा, बबूल भी आ जाएगा, ओरल बी भी आ जाएगा, देन पतंजलि का दंत क्रांति भी आ जाएगा, सब आ जाएगा. सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और डिमांड फॉर द टूथपेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर ना, इट इज कॉल्ड इज व्हाट, इंडस्ट्री डिमांड. आया समझ में. ओके, मैं अनदर एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेलीविजन प्रोड्यूस बाय सोनी
television produced by Sony Television Limited, it is what? Firm demand. But the television produced by all the companies taken together, that is Samsung, Sony, Akai, Philips, okay, Videocon, so kya hoga? Industry demand. Clear? So hum log ne aaj yahan pe char type padha. Now the fifth type baki hai jo hum log kal padhenge, that is price demand, income demand and the cross demand. Clear?